आने वाले कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी पाशा भूमि पर मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षक का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। तो आइए जानते हैं जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने इस संबंध में ली गई पत्र परिषद में मीडिया को क्या जानकारी दी। लोकसभा का चुनाव मुहाने पर है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। इसी संदर्भ में मतदाताओं की पुनर्निरीक्षण की नई सूची जिला प्रशासन ने जारी की। वहीं इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने एक पत्र परिषद ली। तो सुनिए इस पत्र परिषद में जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने पत्रकारों को क्या जानकारी दी। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का अंतिम मतदार यादी प्रकाशन झालेला आहे। हा कार्यक्रम 27 ऑक्टोबरपासून 22 जानेवारीपर्यंत चालला। हा कार्यक्रमाच्या वेळी आपला जिल्ह्यामध्ये 35,803 मतदारांचं नाव नोंदणी झालेलं आहे। तसेच 43,614 मतदारांचं वगळण्यात आलेलं आहे। या कार्यक्रमाच्या दरम्यान आपला जेंडर रेशियो म्हणजे स्त्री पुरुष गुणोत्तर 947:953 झालेलं आहे। असा आपला पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 17,82,316 मतदार आहे। मी सर्व चंद्रपूरच्या नागरिकांना आवाहन करतो की तुमचा नाव या यादीमध्ये आहे का ते खात्री करावे आणि त्याच्यामध्ये काही दुरुस्ती काही कोणाचा सुटलेला असेल तर अजून वेळ आहे। निवडणूक होईपर्यंत तुम्ही तुमचं नाव डिक्लेअर नोंदणी करू शकता। तुम्ही तुमच्या जवळच्या मतदान नोंदणी कार्यालय या ऑनलाईन ECA वेबसाईटमध्ये जाऊन त्याच्यामध्ये रजिस्टर करावं। धन्यवाद। CTV के लिए वैभव व्यारकर की रिपोर्ट।